हेलो दोस्तों, शडे मोड में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को रिपोर्ट दिखाने वाला था। काफ़ी अभ्यर्थी बोले थे कि सर आप रिपोर्ट दिखाइए कि किस आधार पर बोल रहे हैं कि दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और भी भर्ती के इतने सीट खाली हैं। मैं वो रिपोर्ट आप लोगों को कल दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको बता दूँ कि जो रिपोर्ट में कहा गया है मुख्य बातें वो है कि 160 पुलिसकर्मी की संख्या प्रत्येक 1 लाख पर ले जाने के लिए दरोगा हुआ, सार्जेंट हुआ, इंस्पेक्टर हुए, हवलदार हुए, ये कितने पद और सृजित करने पड़ेंगे, कितने पदों पर प्रमोशन देना पड़ेगा, ये सभी जानकारी मैं कल के वीडियो में आपको देने वाला हूँ। पूरा डिटेल्स होगा और वो मेरे पास ही जानकारी है। मैं आपको आप लोगों के साथ साझा करूंगा, पूरा PDF साझा करूंगा कि आने वाले 3 से 4 साल में बिहार की क्या योजना है भर्ती से रिलेटेड, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का कितना भर्ती आ सकता है, बिहार दरोगा का कितना भर्ती आएगा, और सब डिटेल्स वाइज दिया हुआ है कि किसमें कितना कितना पद खाली है। हमको अगर 1 लाख पर प्रति 160 ले जाना हो, क्योंकि नेशनल एवरेज जो है ये आपको लगभग आप देखिएगा तो 160 है, 160 पर ही आप, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी पहले बोल चुके हैं कि इतना एवरेज हम लोगों का लक्ष्य है। पहले 115 था जिसमें 40,000 पुलिसकर्मी कम हो रहे हैं, और 160 ले जाने के लिए कितने पुलिसकर्मी कम हो रहे हैं, कितने दरोगा कम हो रहे हैं, कितने कॉन्स्टेबल की भर्ती करना पड़ेगा, और कौन कौन ये भर्ती प्रक्रिया शुरुआत करेगा, कौन से आयोग की भर्ती प्रक्रिया देने की सोचा जा रहा है, ये सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उस रिपोर्ट में ही सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, और सारा डिटेल्स दिखाने के बाद आपका भी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस आधार पर मैं पिछले 2 से 3 दिन में ये बात बोल रहा हूँ कि जो रिपोर्ट बनाया गया है। मैंने इससे पहले मैंने बताया था कि जो कमेटी बनाया गया है, कमेटी बनाया गया था इसलिए जो एवरेज लेवल पर हम लोगों का पुलिस कर्मी की संख्या ले जाना है उसके लिए कमेटी बनाया गया था, और वो कमेटी को बोला गया था जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट सौंपने के लिए। गृह मंत्रालय की तरफ से 2020 में ही रिपोर्ट आया था जिसमें यह स्थान बताया गया था कि बिहार का 33वां स्थान है पब्लिक पुलिस रेशियो में, जो कि बहुत ही खराब स्थिति आप मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि अभी जाकर, अभी फिलहाल कुछ महीने पहले जाकर आप देखिएगा तो 1 लाख लगभग वो भी 1 लाख पूरा नहीं, लगभग 1 लाख आपको है पुलिसकर्मी बिहार में, पुराने और नए सभी मिलाकर। ठीक, अभी और भी प्रोसेस चल रहे हैं, तो ये सभी जानकारी मैं कल के वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए मैं ये छोटा सा वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दिया। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जो बोला हूँ वो करता हूँ, और जो बोला हूँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, रिपोर्ट भी आपके साथ साझा करूंगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कल का वीडियो के इंतजार कीजिए। कल मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके वीडियो दूं और सभी प्रक्रिया समझा दूं। बस वीडियो देना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, सभी प्रक्रिया समझाना भी मेरा लक्ष्य है कि आप लोग समझ पाए कि कितने समय है आपके पास तैयारी करने के लिए, और कितने फेज में भर्ती आएगा, और उस पर बिहार सरकार का क्या सोच है। ठीक, तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।